प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर तीसरी बार जीत हासिल की है। 1,52,513 वोट से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को शिकस्त दी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय वाराणसी के बाहर जो कार्यकर्ता हैं, अब वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ढोल नगाड़ों पर जो उनका जश्न है वो देखा जा रहा है, हम उनसे बात करेंगे। और निश्चित तौर पर जो ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की वो खास मानी जा रही है। हमारे साथ जो पार्टी कार्यकर्ता जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। आसिफ जी क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, क्या कहेंगे? हालांकि इस बार की जो मार्जिन है उसको लेकर काशी में चर्चा। भाई साहब जीत तो जीत होती है, 1 करोड़ से जीती है, 1 लाख से जीती है। रही बात की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने देश का प्रधानमंत्री दिया बनारस से और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अभी तो आपस में वो लोग तो आपस में अभी देखिएगा, 2 दिन रुकिए तो, लेकिन हमारे क्या चेहरा भी है, नियत साफ है, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, जो उम्मीद थी बड़ी जीत की वो नहीं मिल पाई या इस जीत से ही संतुष्ट हैं? भैया ये जीत भी बहुत अच्छी है, जीत जीत होती है। ऐसा नहीं है कि जीत 1 लाख से हो या 10,000 से हो, जीत जीत है। मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे और हम लोग यही सोच के यही विश्वास के साथ फिर से उनको आगे और फिर से उनको सपोर्ट करेंगे भी। काशी की जनता की तरफ से क्या कहेंगे इस समय, हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की लड़ाई जारी है, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर अभी एनडीए को रुझान में बहुमत है लेकिन अभी वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हुआ है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? भैया बहुमत से है, सरकार अपनी बहुमत से बन चुकी है। आप अभी अभी आप देखिए, रुकिए अभी थोड़ा टाइम, आपको खुद समझ में आएगा। 2 दिन के बाद आप देखिएगा कितनी लड़ाई इंडिया जो गठबंधन है उसमें कितनी लड़ाई होने वाली है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, ना कोई व्यक्ति है जो सही से बोल पाए, ना कोई व्यक्ति है। राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, जिसकी बात चुटकुलों में चली जाती है वो पीएम बनेगा, वो कभी नहीं पीएम बन सकते उनको। अभी आप देखिए, अभी आप देखिएगा 2 दिन के अंदर ये गठबंधन इनका टूटेगा, गठबंधन इनका टूटेगा। क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन दावे कर रहा है उनका भी एक तरीके से इशारा है कि अब हम भी पूरी तरीके से रेस में है सरकार बनाएंगे? हालांकि आप लोग अपनी देखिए, ऐसा है वो तो बहुत ख्वाब देखते हैं, न जाने 32 लोग ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। पहले ये बताइए प्रधानमंत्री बनेगा कौन? हमारे क्या प्रधानमंत्री भी है और सबसे बड़ी पार्टी मेरी है और ये देख लिए पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बन गई है सरकार। 6 बजे तक जनादेश पूरा देश में देख लिए किसको मिला है, हिंदुस्तान की जनता ने जिसको जनादेश दिया है उसकी सरकार बनने जा रही है। सरदार जी जश्न की क्या तैयारी है, आज घरों में कैसे जश्न मनेगा? हर जगह ढोल नगाड़े बजा जा रहे हैं, हर कार्यालय के बाहर हम लोग हर चौराहे पे खड़े होकर मिठाई बांट रहे कि मोदी जी हमारे काशी के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए और जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए जीत तो भाजपा की है, भाजपा प्रधानमंत्री, भाजपा ने यहाँ के बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री जो बनाया है वो सरकार बनेगी, हम लोग की सरकार बन रही है, आगे भी ऐसे हम लोग जो है कार्य करेंगे, अच्छी सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी। हालांकि आप लोग का संकल्प जो था 6-7 लाख वोटों से प्रधानमंत्री मोदी को जिताने का था, वो संकल्प लग रहा है कहीं ना कहीं पीछे छूट गया या नहीं पूरा हो पाया? नहीं पूरा नहीं हो पाया, लेकिन छूट गया उस पर हम लोग देखेंगे, क्यों पीछे छूट गया है उस पर मंथन करेंगे, लेकिन इस जीत से खुश है। हाँ जीत से खुश है, जीत तो जीत है। तो बीजेपी दफ्तर पर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की लोकसभा सीट पर तीसरी बार जीत हासिल की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।